पिछले दिनों डोंगरगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भिलाई के 40 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वुशु नामक गेम में सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर मेडल भी हासिल किए। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले सभी खिलाड़ी भिलाई के हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के बारे में खिलाड़ियों और कोच ने कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। सर, वुशु प्रतियोगिता था जिसमें मैं बच्चों को लेकर के गई हुई थी, और जो स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट था, ये डोंगरगढ़ में आयोजित था सर, और पूरा फाइटिंग का ही गेम है ये जी। और काफ़ी अच्छा मेहनत किए थे बच्चे, मेहनत और जा कर के वहाँ अपना प्रतिभा काफ़ी अच्छा दिखाए हैं। कितने बच्चों को कितना प्रतिशत? सर, मेरे यहाँ से टोटल 43 बच्चे गए हुए थे, जो सारे के सारे मेडल जीते हैं बच्चे, और 19 गोल्ड मेडल है मेरे यहाँ से बच्चों का, और 24 सिल्वर मेडल जीत के हैं बच्चे। सबसे छोटी मेरे यहाँ से 5 साल की बच्ची है सर, और सबसे बड़ी 21 साल के, और इस बीच में काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर चुके हैं बच्चे। सर, मैंने आज मैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मेरा बीच में गैप हो गया था स्टडी के चलते हुए, फिर अभी 1 मंथ से स्टार्ट किया हूँ, और अभी हम डोंगरगढ़ गए थे टूर्नामेंट में, तो वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, और यहाँ प्रैक्टिस भी हमारी बहुत अच्छी होती है। ये गेम का नाम पहले तो वुशु है। हम लोग यहाँ पर 2 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, और इस गेम में मतलब हेड गार्ड, टीट गार्ड और ग्लव्स हम सब पहनते हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्रो करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टफ गेम है, कम से कम 50-60। वुशु में लिया था 5 साल से, हम लोग को ट्रेनिंग करते हुए हो गया, 2 घंटे हमारी रोज़ प्रैक्टिस रहती है, और बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग नेशनल भी गए थे वुशु के, लेकिन कुछ हुआ नहीं, फिर इसलिए स्टेट वापस ट्राई किया, स्टेट में गोल्ड मेडल लगा, और आगे नेशनल जाके अच्छे से करेंगे और मेडल लेके आएंगे।